देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के सितारगंज से सामने आया दिल दहला देने वाला मामला, जहां संपूर्णानंद जेल में कर दी गई 45 साल के कैदी की हत्या। पिछले 10 साल से सजा काट रहा था कैदी। हत्या के बाद जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हॉस्पिटल से मेमो आया था कि एक व्यक्ति जो कि जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, वो गिर के उसके सर पे चोट लगी। उसके बाद फिर जेल अधीक्षक द्वारा अपने स्तर से भी उसकी जांच की गई और हमने भी जब हम पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके सर पे 4 चोटें लगा होना पाया गया। तो उससे ही अंदाज़ा लगाया गया कि गिरने से एक ही बार चोट लगती सर में, 4 चोट आने का मतलब है कि उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। इसी बिंदु को लेके छानबीन की गई तो पता चला कि जीतू नाम का एक व्यक्ति, जो कि वो भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, उसके साथ ही रहता था पड़ोस में, उनका किसी मामले को लेके आपसी विवाद हुआ था। तो उससे फिर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हाँ, उसी ने उसकी हत्या की है और जिस सरिये से उसके सर पे वार किया है वो भी उसके द्वारा था। आज उसकी वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसका माननीय न्यायालय में पेश किया गया, वहाँ से उसको रिमांड स्वीकृत किया जा चुका है।